और उसमें स्थित हो जाना। फिर धीरे 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 ऊपर जाना, फरिश्ता शरीर सहित बाबा के पास। और बाबा मुझे सफलता का तिलक दे रहे हैं। सफलता की माला पहना रहे हैं। सफलता का ताज पहने रहे हैं। स्पष्ट देखना, स्वयं बाबा अपने हाथों से मेरा श्रृंगार कर रहे हैं। यही मेरा सफलता मूर्त बच्चा है। तो देखो बाबा बाबा की कितनी उम्मीदें हैं हमारे प्रति। भले हमारे अंदर कोई संस्कार है जो कि थोड़ा सा हमें अलबेला आलस्यपन कराता है, लेकिन फिर भी बाबा बोलता है कि आज नहीं तो कल सफलता का सितारा आप जरूर बनेगा। बाबा की आशा को पूर्ण करने वाले हम लक्की सितारे हैं। हर आज्ञा का पालन करने वाले, सदा हाजी करने वाले। धीरे धीरे बाबा से एक एक शक्तियों का लेते रहना कि बाबा मुझे शक्तियां देते रहा है। उनकी आंखों से हमारे सामने बाबा, मम्मा, बड़ी दादी, सामने देखना जो बाबा ने कहा कि निर्माणता लाना है। तो कितने सारे गुण थे मेरे बाबा में, तो अभी हमें देखना कि स्वयं बड़ी दादी जो निर्माणता के अवतार थी, मुझे भी ऐसा बनना है। का निर्माणता का हमें तिलक लेना है। तो एक ऐसा अनुभव करना कि बड़े बड़े में जो भी गुण थे उनका तिलक स्वयं को लगाते रहे, वो हमें तिलक दे रहे हैं। केवल तिलक नहीं तो उनकी दृष्टि, शक्ति, सारा कुछ हमारे अंदर भर रहे हैं।
देखना मेरे सामने कितने सारे बड़े आदि रत्न खड़े हैं, हाथ में तिलक लेकर। केवल मेरे लिए अब धीरे धीरे जाना, सबको दृष्टि लेना एक एक से, मम्मा से, बाबा से और बड़ी दादी, जो भी आदि रत्न सामने है। उनकी शक्तियों से मैं भरपूर हो गया और खास हम उनको निमंत्रण देते हैं कि चलो आज सभी मिलकर इसी अवस्था में, फरिश्ता स्थिति में बाबा की मुरली सुनेंगे। जैसा बड़ों ने कितनी गहराई से स्टडी किया, एक एक वाक्य का कितना अध्ययन किया, तो इसी अवस्था में संपूर्ण फरिश्ता रूप में फिर से आते हैं अपने दो भ्रुकुटी के बीच में और संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं उसका सार कहो, टाइटल कहो, ये है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। मुरली बहुत छोटी है लेकिन मनन चिंतन के पॉइंट्स बहुत हैं और प्रैक्टिकल हमें जो करना है अपने ब्राह्मण जीवन में, क्योंकि ब्राह्मण जैसे भक्ति की प्रारब्ध ज्ञान है और ज्ञान की प्रारब्ध बाबा कहता है सत्युक्तृता है, लेकिन ये जो बाबा ने ज्ञान दिया है त्रिमूर्ति का, लाइट का, साक्षात्कार का, तो ये प्रैक्टिकल में जो हम अपने आप में अनुभव करेंगे और दूसरों को अनुभव कराने के निमित्त बनेंगे, ये है ब्राह्मण जीवन की अभी की प्रारब्ध। ठीक, तो उसमें बाबा ने तीन लाइट्स के बारे में बताया है कि नैनों से, मस्तक से और माथे पर क्या दिखाई देगा, है ना। और साकार में ये साक्षात्कार होगा
ये हर एक से होगा, ये भी बाबा ने बिल्कुल अथॉरिटी के साथ कहा है। और निमित्तपन का जो भाव है वो कैसा होना चाहिए, करते हुए, करने के बाद, और फिर संकल्प तुम्हारे कैसे होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, इसकी भी बाबा ने स्पष्टता दी है। और सहयोग अगर हम देते हैं तो हमें एक्स्ट्रा सहयोग भी मिलता है, ये भी बाबा ने विशेष तरीके से बताया है। और जो देता है, जिसको मिलता है, वो स्वयं भी अनुभव करता है, ये बात भी बाबा ने बहुत क्लियरली इस मुरली में बताई है। 21 जन्मों की बात बाबा ने की है, और सबसे ज्यादा अगर हम ध्यान दें तो बाबा ने ये बताया है कि समय तो छोड़ो, तुम्हारा एक संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। और अब पुरुषार्थ, क्योंकि हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ रहे हैं, 1970 की मुरली है, ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बन चुके हैं, तो बाबा ने कहा कि अब पुरुषार्थ इस सीमा पर आ चुका है। क्योंकि बाबा जैसे मुरलियों में कहते हैं ना कि सिर्फ ब्रह्मा बाबा की वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। तो अब ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने हैं, तो हम सबको भी संपूर्ण बनने का समय समीप आया है। तो ये छोटी सी मुरली में हमारी बुद्धि को बाबा ने बहुत सारे ट्रिगर्स दिए हैं कि हम किस दिशा में मनन चिंतन करें, कैसे अपनी चेकिंग करें, और प्रैक्टिकल में हम कैसे उसको साकार में ले आए, साक्षात उसका रूप बने। ठीक है, तो मुरली की ओरिजिनल डेट है 19 जून 1970, और त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार, ये मुरली का टाइटल, और आज की डेट है 20 नवंबर 2022। तो सुनते हैं आज की मुरली। ब्राह्मणों को त्रिमूर्ति शिववंशी कहते हो ना, त्रिमूर्ति बाप के बच्चे स्वयं भी त्रिमूर्ति हैं, बाप भी त्रिमूर्ति है। जैसे बाप त्रिमूर्ति है, वैसे आप भी त्रिमूर्ति हो। क्या बाबा ने क्वेश्चन मांग दिया है, तीन प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार की आती है, तीन प्रकार की लाइट्स साक्षात्कार की आती है क्या, वह मालूम है कौन सी है? तीन प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार कौन सी है? जो ब्राह्मणों के तीन प्रकार की लाइट साक्षात्कार होते रहते हैं, आप लोगों से लाइट का साक्षात्कार होता मालूम पड़ता है क्या? वो पूछ रहे हैं। त्रिमूर्ति वंशी, त्रिमूर्ति बच्चों की तीन प्रकार की लाइट्स का साक्षात्कार होता है। पहले तो सवाल पूछा बाबा ने, होता है क्या? अब कंफर्म कर रहे बाबा कि होता है। वह कौन सी लाइट्स है? अब ध्यान से सुनना और फील भी करना। एक तो लाइट का साक्षात्कार होता है नैनों से। कहते हैं ना कि नैनों की ज्योति, नयन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं। देखो अपने ही नैनों में दो बल्ब, कैसे बड़े बल्ब, देखे फील करें। जैसे इस्लाम धर्म में पूछा जाता है कि अल्लाह कैसे दिखता है, तो वो बोलते हैं अल्लाह दिखता थोड़ी, अल्लाह तो नूर है और मैं क्या हूं, नूरे रतन हूं, और अल्लाह को बोलते नूरे इलाही। तो आप सोचो क्यों ये गायन हुआ होगा इस्लाम धर्म में? इसलिए क्योंकि फरिश्ते, देवताओं को वो मानते नहीं, फरिश्तों का साक्षात्कार उनको हुआ, और कैसे दिखा उनके नैनों में, उनको बल्ब दिखे, और वही उनको अल्लाह।
तो देखो नैन ऐसे दिखाई पड़ेंगे जैसे नैनों में दो बड़े बल्ब जल रहे हैं। दूसरी होती है मस्तक की लाइट, फील करें अपने मस्तक पर लाइट को। तीसरी होती है माथे पर लाइट का क्राउन, वो भी देखें, नयन, मस्तक और माथा। अभी यह कोशिश करना है जो तीनों ही लाइट्स का साक्षात्कार, एक नहीं, कोई भी सामने आए तो उनको यह नयन बल्ब दिखाई पड़े, ज्योति ही ज्योति दिखाई दे। जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, जैसे अंधियारे में सच्चे हीरे चमकते हैं ना, और पता है जो सच्चा हीरा होता है ना उसको धूप में कितनी भी देर रखो गर्म नहीं होता, और बाकी स्टोन्स होते हैं ना वो गर्म होते हैं। ये सच्चे हीरे की और एक पहचान है। ठीक, जैसे सर्च लाइट होती है बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं, इस रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। नैनो को बताया, अब बाबा बोले बहुत फोर्स से और अच्छी रीति फैलाते हैं सर्च लाइट, हाँ, इस रीति से मस्तक के लाइट का साक्षात्कार होगा। और माथे पर जो लाइट का क्राउन है वह तो समझते हो, अब क्या समझते हो वो समझ लेना आप, हाँ, डिस्कशन के टाइम देखेंगे। ऐसे त्रिमूर्ति लाइट का साक्षात्कार एक एक से होना है, कंफर्म है, एक एक से होना है, तब कहेंगे यह तो जैसे फरिश्ता है। साकार में नयन, मस्तक और माथे के क्राउन के साक्षात्कार स्पष्ट होंगे। आगे बाबा कहते नैनों तरफ देखते देखते लाइट देखेंगे, तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। अब लाइट के यहाँ दो अर्थ लेना आप, हल्के भी हो जाएंगे हमारी लाइट को देखकर, जैसे कोई चीज ढूंढते हैं और मिलती नहीं अंधियारे में और लाइट आ जाए तो स्पष्ट एकदम देखते तो मन कैसे हो जाता है, हाँ मिल गई, वैसा फील आएगा उनको। तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी जैसे लाइट हो जाएंगे। कितनी भी मन से वास्तिथि में भारीपन हो लेकिन आने से ही हल्का हो जाए, ऐसी स्टेज अब पकड़नी है। क्योंकि आप लोगों को देखकर और सभी भी अपनी स्थिति ऐसी करेंगे, अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। बाबा कहे अभी से ही अपना गायन सुनेंगे। द्वापर का गायन कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि द्वापर में गायन कहाँ होने वाला है, जड़ मूर्ति के सामने, और अभी हम चैतन्य में है। लेकिन ऐसे साक्षात्कार मूरत और साक्षात मूरत बनने से अभी का गायन अपना सुनेंगे। आपके आगे आने से लाइट ही लाइट देखने में आए, ऐसे होना है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं, ऐसे होना है। मधुबन ही लाइट का घर हो जाएगा, यह दीवे आदि देखते भी जैसे कि नहीं देखेंगे, जैसे वतन में, देखो सूक्ष्म वतन की बात कर रहे, देखो जैसे वतन में लाइट ही लाइट देखने में आती है, वैसे यह स्थूल वतन, पहले तो मधुबन को देखो, वैसे यह स्थूल वतन लाइट का हाउस हो जाएगा। जब आप चैतन्य लाइट हाउस हो जाएंगे तो फिर यह मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा। लाइट हाउस कहाँ होता है, सागर में, दिशा दिखाता है, और ऊंचाई पर होता है, ऊंचे स्थान पर रखते हैं। अभी यह है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में, थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। बाबा कहते प्रैक्टिकल में सब चीज आना, ये कोर्स की क्या है, लास्ट सब्जेक्ट है,
इस लास्ट सब्जेक्ट में बहुत फास्ट पुरुषार्थ करना पड़ेगा, इसी स्टेज के लिए ही गायन है। आगे, बाप दादा से कब विदाई नहीं होती है, माया से विदाई होती है। अब ये भी थोड़ा सोचना बाबा ने वाक्य क्यों कहा, किस लिए कहा। आगे, बाप दादा से तो मिलन होता है, वह थोड़े समय का मिलन सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है। जो पहली लाइन पढ़ी थी ना, विदाई नहीं होती माया से, उसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है, मनन चिंतन में देख लेना। हम बाप के साथ गुण और कर्तव्य मिलना, यही मिलन है, यही प्रयत्न सदैव करते रहना है। अच्छा, संकल्पों को ब्रेक लगाने का मुख्य साधन कौन सा है मालूम है क्या? जो भी कार्य करते हो तो करने के पहले सोच कर फिर कार्य शुरू करो। जो कार्य करने जा रहा हूं वह बाप दादा का कार्य है, मैं निमित्त हूं। जब कार्य समाप्त करते हो तो जैसे यज्ञ रचा जाता है तो समाप्ति समय आहुति दी जाती है। इस रीति जो कर्तव्य किया और जो परिणाम निकला वह बाप को समर्पण स्वाहा कर दिया, फिर कोई संकल्प नहीं। देखो, निमित्त भाव पक्का करने के लिए स्मृति में बाबा ने कितनी अच्छी विधि बताई कि जो कार्य करने जा रहा हूं वो बाप दादा का कार्य है और मैं क्या हूं, निमित्त हूं। कार्य समाप्त करने के बाद यज्ञ की एग्जाम्पल दी, आहुति, अगर सफलता मिली तो भी उसको समर्पण, असफलता वो भी उसको समर्पण, फिर क्या है कि संकल्प। ठीक, आगे, निमित्त बन कार्य किया और जब कार्य समाप्त हुआ तो स्वाहा किया, फिर संकल्प क्या चलेगा? जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है। इसलिए यज्ञ बाबा क्यों बोलता है? दरिया नहीं बोला, सागर नहीं बोला, यज्ञ, अग्नि, कि उसका रूप ही चेंज हो जाए, अग्नि में वो ताकत है ना। फिर आगे बाबा कहते हैं, जैसे आग में चीज डाली जाती है तो फिर नाम निशान नहीं रहता, वैसे हर चीज की समाप्ति में संपूर्ण स्वाहा करना है, फिर आपकी जिम्मेवारी नहीं। जिसके अर्पण हुए फिर जिम्मेवार वह हो जाते हैं, फिर संकल्प काहे का। देखो कितनी सिंपल लैंग्वेज बाबा ने यूज की, बात करते करते नहीं होते फिर काहे की चिंता तेरे को, तो वैसे बाबा कहे फिर संकल्प काहे का। जैसे घर में कोई बड़ा होता है तो जो भी काम किया जाता है तो बड़े को सुनाकर खाली हो जाएंगे, वैसे ही जो कार्य किया समाचार दिया बस। अव्यक्त रूप को सामने रख करके रख, यह करके देखो, जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। देखो बाबा अपना वादा हमें बता रहे हैं कि जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है। जैसे अपनी आत्मा की उन्नति के लिए सोचते हैं, इस रीति शुद्ध भावना, शुभ चिंतक और शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद। देखो अभी शुद्ध भावना, शुभ चिंतक, शुभ चिंतन, ये तीन शब्दों को सोचना, चिंतक और शुभ चिंतन में क्या फर्क है। शुभ चिंतन के रूप में एक्स्ट्रा मदद, दोनों रूप से किसी भी आत्मा को विशेष सहयोग दे सकते, देना चाहिए, इससे बहुत मदद मिलती है। जैसे कोई गरीब को अचानक बिगर मेहनत प्राप्ति हो जाती है, उस रीति जिस भी आत्मा के प्रति एक्स्ट्रा सहयोग दिया जाता है वह आत्मा भी महसूस करती है हमको विशेष मदद मिली है।
क्योंकि उसको महसूस कराने का काम किसका है? बाबा का। अगर उसको महसूस नहीं हो रहा है तो हमारे सहयोग देने में शायद कहीं स्वार्थ भरा हुआ था। ठीक है, आगे, साकार रूप में भी एक्स्ट्रा कोई आत्मा को सहयोग देने का सबूत करके दिखाया ना ब्रह्मा बाबा की बात। उस आत्मा को स्वयं भी अनुभव हुआ, यह सर्विस करके दिखानी है। जितना जितना आप सूक्ष्म होते जाएंगे उतना यह सूक्ष्म सर्विस भी बढ़ती जाएगी। स्थूल के साथ सूक्ष्म का प्रभाव जल्दी पड़ता है और सदाकाल के लिए। बाप दादा भी विशेष सहयोग देते हैं, एक्स्ट्रा मदद का अनुभव होगा, मेहनत कम प्राप्ति अधिक। अच्छा, फिर बाबा आगे कहते हैं, बाप दादा बच्चों से जितना अविनाशी स्नेह करते हैं उतना बच्चे अविनाशी स्नेह रखते हैं क्या? यह अविनाशी स्नेह यही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधन को जोड़ता है। सो भी अटूट स्नेह, सो भी अटूट स्नेह। जितना पक्का धागा होता है उतना ही ज्यादा समय चलता है। यह संगम का समय 21 जन्मों को जोड़ता है। माना कैसा धागा है हमारा? पक्का धागा, एक जन्म को नहीं जोड़ रहा है, इतना पक्का है कि 21 जन्मों को जोड़ता है। इस संगम के युग का एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा होता है। इतना अटेंशन रख कर फिर संकल्प फिर करना, जो करूंगा वह जमा होगा। तो कितना जमा होगा? एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। कहे एक संकल्प भी व्यर्थ ना हो। एक संकल्प भी व्यर्थ हुआ तो जमा में कट जाता है। तो जमा जब करना होता है तो एक भी व्यर्थ ना हो। कितना पुरुषार्थ करना है, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। समय तो छोड़ो, हवा कहे समय की तो बात बहुत पीछे हो गई, संकल्प भी व्यर्थ ना जाए। अब पुरुषार्थ इस सीमा पर पहुंच रहा है, जैसे जैसे पढ़ाई दिन प्रतिदिन ऊंची होती जाती है तो यह भी ऐसे ही। बड़े क्लास में पढ़ रही हो ना? अच्छा, तो हम सबकी तरफ से बाप दादा को बहुत सारा याद प्यार और नमस्ते। अभी हम एक मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर उसके बाद ब्रेकआउट रूम्स में शेयरिंग करेंगे। शांति।
बेटा बाई जी अभिजीत भाई जी, ब्रेकआउट रूम्स करनी है या यहीं पर डिस्कशन करना है? तब तक आप पॉइंट शेयर कर सकते हैं जब तक ब्रेकआउट रूम्स हो जाए। बोलिए पुरुषोत्तम भाई। ओम शांति, भाई जी ने बोला था ब्रेकआउट रूम। आवाज नहीं आ रहा पुरुषोत्तम भाई। अभिजीत भाई ने बोला था कि वो ब्रेकआउट रूम बना रहे हैं, तब तक कर सकते हैं। ठीक, बोलिए ललिता बहन। हाँ, आज बाप दादा ने कहा कि जो जितना बाबा से अविनाशी स्नेह रखते हो, जितना बाप रखता है उतने बच्चे रखते हैं क्या? तो ये अविनाशी स्नेह ही एक धागा है जो 21 जन्मों के बंधनों को जोड़ता है, और संगम युग का ये सब 21 जन्मों का जोड़ने का है। इस संगम युग की एक एक संकल्प, एक एक कर्म 21 जन्म के बैंक में जमा हो जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति सिस्टर, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं अपने थोड़ी सी बात एक्सपीरियंस पे भी कल बोलूंगी। आज बाबा की मुरली में लगा, जितना जो सहयोगी बनता है उनको एक्स्ट्रा सहयोग बाबा देता है। शुद्ध भावना, शुद्ध चिंतन, शुभ चिंतन रूप में एक्स्ट्रा मद मिलती है। कल क्या हुआ, मैं घी बना रही थी दीदी, घी बड़ा पतीला था, तो मैंने कहा कि अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा तो घी को बनने को, तो मैं बाबा की मुरली बहुत डीप अंदर तक चलेगी, तो घी क्या हुआ, घी ऊपर तक थोड़ा सा रहता था, वो उबलने लगा था। तो राइट वे जैसे मुझे बाबा ने बोला उठ घी देख, तो मैंने देखा अगर मैं कोई व्यर्थ संकल्प होता तो घी उबल के वो आग में जाता तो आग भी लग सकती थी। तो इसलिए मैं आपको शेयर करती कि बाबा ऐसे सहयोग देता है। ओम शांति। जी जी, किरण बहन बोले। ओम शांति दीदी। बाबा ने हम ब्राह्मणों की अंतिम स्थिति के बारे में बात करी आज। बाबा ने कहा आपसे तीन तरह की लाइट। पहली लाइट आपके नैनों से दिखाई देगी जो बटन की तरह होगी, बल्ब की तरह होगी। किरण बहन आपका आवाज मतलब म्यूट हो रहे हैं आप बार बार। किरण बहन आवाज नहीं आ रही आपकी। विनीता बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। बाबा बोले कि व्यर्थ संकल्प को रोकने के लिए, व्यर्थ संकल्पों का जो भाव हमारे में आता है उसको रोकने के लिए बाबा बोले कि एक तो है कि कोई भी कार्य को सोच समझ कर करना है, और दूसरा है कि दूसरा बाबा ने बोला कि आप जो भी कार्य करते हो, जब कार्य संपन्न हो जाता है तो उस कार्य को मतलब निमित्त बन के जब करते हैं तो कार्य को पूरी तरह से बाबा के हवाले कर देना है, उनको अर्पण कर देना है बाबा को, तो उसका कोई भी बात, कोई भी संकल्प फिर हम उसको नहीं चलाएंगे अपने दिमाग में, तो इस तरह से हमारे अंदर व्यर्थ संकल्प नहीं आएंगे। ओम शांति। जी जी, वैशाली बहन बोले। ओम शांति दीदी। हमें संगम का जो संगम युग का जो जो एक एक संकल्प है ना हमारा, इम्पोर्टेंट है, वो 21 जन्मों के लिए बैंक में जमा होता है, तो हमारा संकल्प जो होता है वो सोच समझ कर करना चाहिए। जी जी, सुचित्रा बहन बोले। ओम शांति दीदी। आज बाबा ये मतलब ये पूरे इसकी एक लाइन अच्छी लगी कि जितना जितना हम अभी सूक्ष्म, जैसे बाबा ने कहा ना कि सूक्ष्म हो जाएंगे, तो फिर जितना हम अपनी सर्विस में या खुद में भी सूक्ष्म का अनुभव करेंगे, वैसे हमारी सूक्ष्म सर्विस यानी मनसा वगैरह में हम बढ़ते जाएंगे, क्योंकि स्थूल से ज्यादा अब क्या होगा, हमारा भी बाबा बार बार बोलते हैं ना, तुम वाणी से भी ज्यादा मनसा का जो करोगे
तो तुम्हारा प्रभाव जल्दी पड़ेगा, और वो सिर्फ जल्दी नहीं सदाकाल क्या होगा। तो ये लाइन आज की बहुत अच्छी है, और हमें उसके कारण बाबा से एक्स्ट्रा मदद भी मिलेगी, मेहनत कम सफलता देगा। ओम शांति। अश्विनी बहन बोली। ओम शांति। आज बाबा बोलती जितना हम दादी को पक्का करिए उतना ज्यादा बाबा के साथ रहिए उतना समय, जितना हम पक्के को धागा करके रखेंगे बाबा के। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा जैसे बाबा कह रहे हैं कि इस समय जो संगम के युग का एक एक संकल्प एक एक कर्म जो है 21 जन्म के बैंक में जमा होता है, तो ये हमें हमेशा अटेंशन रहना चाहिए कि संकल्पों पे बहुत ध्यान हो रहे। कि आज भी जैसे मुरली में था ना, संगम युग का समय और संकल्प बहुत विशेष है, विशेष संकल्प जो हमारे 21 जन्मों के बैंक में जमा हो रहा है। ओम शांति। शांति दीदी। ओम शांति। संगम युग का इम्पोर्टेंट युग है, इस संगम के युग एक एक संकल्प एक एक कर्म एक जन्म के बैंक के जमा होता है। इतना अटेंशन रहा कर फिर संकल्प संकल्प भी करना, जो जो करेगा वह जमा होगा, तो इतना इतना जमा होगा, तो संकल्प और समय इम्पोर्टेंट देना है। ओम शांति जी। संगीता बहन बोलिए। संगीता अग्रवाल। ओम शांति। आज बाबा ने लाइट्स का साक्षात्कार बोला, त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार। तो बाबा ने जो तीन लाइट बताए हैं ब्राह्मणों के, एक मस्तक का, नयनों का और माथे का, तो ये तीन लाइट जब हमारे हो जाएंगे तो चैतन्य लाइट हाउस हम बनेंगे। लेकिन हम कब बनेंगे, मुझे ऐसा लगा बाबा ने जो बताया उस हिसाब से मेरा चिंतन चला कि हमारी स्थिति ऐसी हो कि जब भी हम कोई भी कार्य करें तो मैं निमित्त हूँ, करने वाला बाप है, और होने के बाद में भी सब कुछ बाबा को सौंप दे जो भी है, और बाबा जिम्मेवार है, हम बेफिक्र बादशाह। जितना हम ये करेंगे तो हमारी मन बुद्धि की स्थिति एकदम लाइट होती जाएगी, और साथ में सर्व के प्रति शुभ भावना, शुभ चिंतन और शुभ चिंतक बन के रहेंगे, तो हमारी मतलब विकर्म भी फिर से नहीं बनेंगे, तो स्थिति एकदम लाइट से लाइट होती जाएंगी। तो जितना हम चैतन्य में लाइट बनेंगे तो अंत में हमसे ये तीनों लाइट हमारे स्थूल रूप में दिखाई देंगे सबको। जी मतलब जो आपने कहा कि बाबा करा रहा है, और उसमें और एक हाँ। लाइन में जोड़ना चाहिए, कार्य बाबा का है ना, बाबा ने कहा हाँ, ना हाँ कि कार्य बाबा का बाबा। कि बाप दादा का, कि जो भी कार्य करने जा रहा हूँ वो बाप दादा का कार्य है, मैं तो निमित्त हूँ। जी सिंपी बहन बोली। ओम शांति। आपके बैकग्राउंड में वो ट्रैफिक कंट्रोल बज रहा है, पहले उसको बंद कीजिएगा। प्रमिला बहन आप बताइए। दीदी बाबा ने बोला है ना कि बाप दादा से कब विदाई नहीं होती, माया से विदाई होती है। बाप दादा से तो मिलन होता है, थोड़े समय का मिलन, सदा का मिलन करने के निमित्त बन जाता है। बाप के साथ गुण और करते हुए मिलना, यही मिलन है। मतलब विदाई तो माया से इस तरह से होगी ना दीदी, कि हम जब बाबा से मिलन बनाएंगे और उनके जो गुण है और करते सब में धारण कर लेंगे, तो विदाई तो माया से अपना ऑटोमेटिकली हो जाएगी ना। तो उसके लिए हमें एफर्ट करना है कि बाप के जो गुण है और जो उनका कर्तव्य है वैसे ही हमें धारण करके वैसे ही कर्तव्य करना है। यही मतलब हुआ दीदी क्या? हाँ वो तो मतलब हुआ ही, लेकिन जैसे बाबा ने कहा ना कि बाप दादा से मिलन होता है, विदाई नहीं होती, क्योंकि सत्युग त्रेता में देखो देखा जाए तो माया भी नहीं है और बाबा भी नहीं है, लेकिन बाबा है। कैसे? उसके गुण शक्तियों के साथ ही हम वहां उतरेंगे ना, तो बाबा तो है ना हमारे साथ, उसने उसकी जो शक्तियां गुण उसके खजाने सब कुछ भरपूर होकर हम उतरे हैं, और माया के जो भी अवगुण थे आसुरी संस्कार वो कुछ भी नहीं है वहां पर,
तो वहां पर तो विदाई उसने ले ली हमसे, यहाँ तो ली तभी वो वहां पे लेगी, और यहाँ पे गुण शक्तियां धारण करेंगे तो ही मिलन वहां सत्युग में। इसलिए तो परमात्मा की अनुभूति या जरूरत या महसूसता क्यों नहीं है वहां पर, क्योंकि वो ऑलरेडी है ना हमारे साथ, कैसे, गुण और शक्तियों के साथ। ठीक, दीक्षा बहन बोलिए, और जिनका हुआ है ना वो प्लीज हैंड मतलब नीचे करिए। दीक्षा बहन आप बोल सकती हैं। ठीक है, शर्मिष्ठा बहन आप बोलिए। मैं भी यही बोल रही, बाबा बोल रहे थे कि जो भी आप निमित्त निमित्त बनकर बाबा को सहयोग, जो भी बाबा के काम करना है उससे पहले बाबा से बोल के और निमित्त भर के काम करके और फिर वो आहुति देना है, उसी तरह उस काम की अच्छा या बुरा जो भी हो वो सब बाबा को समर्पित। तो यही पॉइंट। ओम शांति दीदी। ओम शांति, मैं थोड़ी लेट ज्वाइन किया, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही है, एक मस्तक की लाइट और माथे की लाइट अलग अलग क्यों बताई है? सॉरी, माथे का लाइट माना ताज मस्तक पर तो नहीं लगाएंगे ना, बट रहेगा, बट माथे के ऊपर रहता है ना ताज। आप वो टियारा पहनो, देखो कहाँ रहता है, ऊपर रहता है ना माथे के ऊपर। गायत्री बहन जी, हाँ जी माथे के ऊपर रहता है। हाँ जी, हाँ, तो इसलिए मस्तक की लाइट अलग और माथे की लाइट अलग। अच्छा, एक ताज, तो ताज होता है, ताज के लिए बताया है, प्योरिटी का ताज। थैंक यू दीदी। एक आत्मस्वरूप की लाइट होंगी और एक प्योरिटी का क्राउन बोला है। ओम शांति। एक मिनट हेलो, जी बोलिए, अभी बोल सकते हैं, ब्रेकआउट रूम्स में गए हैं बाकी सारे, तो आप अपना पॉइंट शेयर कर सकते हैं। बोलिए। मुझे हाँ, मुझे एक पूछना था, वो है ना मुझे समझ में नहीं आया, जितना जो सहयोगी बनता है ना उनको एक्स्ट्रा सहयोग देना पड़ता है, यानी उसका मतलब क्या होता है, यानी स्पष्टीकरण वो डिटेल में बताएंगे क्या है? देखो जैसे बेगरी पार्ट में एक मुंबई की माता थी, बेगरी हाँ। पार्ट आप जानते हैं, वैशाली बहन। हाँ, हाँ बेगरी पार्ट, यानी वो कुछ नहीं मिलता ना वहाँ। हाँ, मतलब जब ब्रह्मा बाबा ने गुजारा। हाँ, हाँ? हाँ, मतलब मैं एग्जांपल दे रही हूँ। हाँ, हाँ, पार्ट में बांधेली माता ने बाबा को धन की मदद की और वो उसके बाद बेगरी पार्ट खत्म होने के बाद उस माता का मधुबन ना हुआ, तो बाबा ने कहा बच्ची को मेरे कमरे में रखो, बच्ची को बहुत अच्छे से रखो, क्यों, क्योंकि समय पर सहयोग दिया था उसने, तो एक्स्ट्रा मदद, बाबा क्या अपना कमरा छोड़ने को तैयार था बताओ। अच्छा, हाँ हाँ, सहयोग कोई देता है कार्य में तो बाबा उसको एक्स्ट्रा मदद करने के लिए हमेशा हाजिर है, और उसको एक्स्ट्रा मदद मिली है वो आत्मा भी खुद महसूस करती है बाबा। तो हम लोगों को भी देखो, चाहे हम तन से मन से धन से या जन से, है ना, कि हम जब सेंटर पर कोई भी कार्य करने के निमित्त बनते हैं या हमें बाबा यूज करता है तो हमें खुशी, दुआएं, आशीर्वाद प्राप्त होता है, ये महसूस होता है या नहीं होता है बताइए? होता है दीदी। तो ये है ना। अच्छा, और उससे क्या होता है, और
फिर से सहयोग देने का मन करता। हाँ हाँ तो बहने भी बहने भी साथ देते हैं। हाँ और परिवार साथ देता है, बाबा तो देता ही देता है। ठीक हाँ अभी क्लियर हुआ, थैंक यू दीदी। बोलिए और किसी को कुछ कहना है? तीनों लाइट का क्लियर है सबको? हाँ बोलिए शांता आनंद बहन, बोलिए शांता। बाप विदाई नहीं करते होते, रावण विदाई होते हैं, बाप द्वारा तो मिलन मनाते हैं करके। ओम शांति। हाँ जी जी, तो ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ या आपने शेयर किया है क्या? क्या बोलना चाहते शांता बहन? चल और कोई बोलिए, शायद लैंग्वेज प्रॉब्लम होगा। और कोई शेयर करे? हेलो ओम शांति। हाँ बोलिए शांता बहन। हाँ बाबा ने बोला है कि बाप विदाई नहीं देते लेते, रावण विदाई लेते, बाप से तो मिलन मनाते हैं। जी जी जी। सभी एक एक पॉइंट शेयर करें, कौन सी लाइट आपको अच्छी लगी वो बताएं और क्यों लगी। मस्तक की अच्छी लगी, नैनों की अच्छी लगी, या माथे की अच्छी लगी, या तीनों ही अच्छी लगी, कौन सी लाइट? देखो भगवान वाच, जो भगवान वाक्य उच्चारता है वही हम उच्चारण करें, यह हमारे मुख का भी भाग्य है। और इस मुख से जो हमने पाप कर्म किए हैं वो धुलने में मदद होती है, तो एटलीस्ट रिपीट तो कीजिएगा। दीदी हम बताएं? बोलिए बोलिए। हाँ हमें ना नैनों का, मस्तक का और माथे पर जो लाइट का क्राउन होता है वो तीनों ही पसंद है, लेकिन ज्यादा तो ज्यादा मेरे मुझे ना नैनों का वो ज्योति पसंद है, कि हम नैनों से ज्यादा से ज्यादा देखते ही रहते हैं ना, तो जी जी वो मुझे बहुत पसंद है। क्योंकि और बाबा भी जब आता है अभी तो क्या करता है, नैनो से दृष्टि देता है ना। हाँ। और गुलजार दादी जी, बाप दादा आते हैं ना तो नैनो से उनका कितना प्यार स्नेह, कितना अपनापन झलकता है ना, ये पसंद है मुझे। ओम शांति दीदी। ओम शांति। और देखो समय है, समय के रहते रहते भगवान के वाक्य फिर से हम उच्चारण करें, क्योंकि वरदान है समय को। और क्या कहा बाबा ने कि तुम्हारी लाइट को देख दूसरे भी लाइट हो जाएंगे, कितनी भी मन से व स्थिति से भारीपन हो लेकिन तुम्हारे सामने आने के बाद वो क्या हो जाएंगे, हल्का हो जाएंगे। हम अपने आप को देख के अपने इसका साक्षात्कार करते हुए हम हल्के होते हैं क्या बताओ? हम बाबा को देखकर हल्के होते हैं, अपना रूप स्वयं देखकर हल्के होते हैं, तो ही हम दूसरों को हल्का कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। हाँ ये भी बात है, अगर हम स्वयं के साथ रहकर ही भारी रहते हैं, हमें अपनी ही कंपनी पसंद नहीं आती है, ऑल द टाइम हमें बोझ महसूस होता है, तो तुम्हें देखकर दूसरों को भी बोझ महसूस होगा। लाइट तो छोड़ो, बल्कि वो दूर भागेंगे, अरे बाप रे ये तो हमेशा प्रॉब्लम्स में है, शायद चेहरे से ही लगता है उसके। ऐसा नहीं होना चाहिए ब्राह्मणों का। हाँ ऐसा नहीं होना चाहिए,
तो जो भी बोझ है आज और अभी उस यज्ञ में स्वाहा कर दीजिए, ठीक है? क्योंकि बाबा ने आज यज्ञ की भी बात कही, अग्नि में स्वाहा करने की भी बात कही, तो वो कर दीजिएगा और हल्के हो जाएं, खुद हल्के रहेंगे ना, क्योंकि ब्राह्मणों का जीवन माना तूफान है, इसलिए तो बाबा कहते हैं ना तूफानों को तोहफा बनाओ। क्यों कहता है? तूफान है, परेशानियां हैं, तभी तो वो सर्वशक्तिमान है ये पता चलेगा। अगर हमारा जीवन सहज चल रहा है तो भगवान की जरूरत ही क्या है, जरूरत ही नहीं है। और अगर कुछ असहजता है, परेशानियां हैं, परिस्थितियां हैं, हिसाब किताब है, और तब हम उसको याद करें और वो हमें जैसे कि वो मक्खन से बाल निकालता है वैसे निकाले, तब तो हमें पता चले कि वो सर्वशक्तिमान है, नहीं तो कैसे पता चलेगा। ठीक, तो ये जो भी है ना स्वाहा कर दीजिए, लाइट हो जाइए, हल्के हो जाए। लाइट होंगे तभी ही लाइट दिखाई देगी, माना हल्के होंगे तभी दूसरों को लाइट दिखाई देगी, ये नहीं भूलना, हमने कभी नहीं भूलना। और तीन लाइट दिखाई देनी है, जैसे माथे पे कहते ना, उसके माथे से पता चलता है कि बहुत कुछ उसको टेंशन है, तो माथे की लाइट, नैनो की लाइट, मस्तक की लाइट, ये दिखाई देनी चाहिए ना। कब मस्तक की कब दिखेगी? मन का, मन निर्बोझ होगा तब। माथे की कब दिखेगी? जब हल्का होगा तब। और नैनो से कब? जब प्यार से, जो अविनाशी स्नेह की बात की ना, कहते हैं ना उसकी आंखों, उसकी नजर अच्छी नहीं है या उसकी नजर अच्छी है, ये कहां से पता चलता है? उसकी सोच सीधे आंखों में उतरती है ना, तो हम लाइट सोच रहेंगे, लाइट को देखते रहेंगे, लाइट होते रहेंगे, तभी तो हमारे नैनों से लाइट दिखाई देगी, नहीं तो नहीं दिखाई देगी। शेरू भाई बोलिए, आपका माइक अनम्यूट, बोलिए सुचित्रा बहन। दीदी ये आ गया एकदम, बोलिए बोलिए शीतल बहन बोलिए। नहीं दीदी वो ये मतलब ये क्या बोलते हैं, वो आ गया, वो ये सबमिट करने वाला पोल वाला आ गया था। हाँ हाँ पोल, हाँ। नहीं दीदी आज वो जो ये निकाली हूँ, वरदान निकाली हूँ, वो बताने वाली थी। जी जी बोलिए। समर्थ संकल्पों को ब्रेक लगाने वाले निमित्त आत्मा भव, लाइट का साक्षात्कार कराने वाले त्रिमूर्ति शिववंशी भव, अविनाशी स्नेह के धागों से 21 जन्मों के बंधन को जोड़ने वाले अटूट स्नेही भव। जी बहुत अच्छा। शीतल बहन बोलिए। ओम शांति दीदी। जैसे लौकिक में भी हम मानते हैं ना कि हमारे अंदर की स्थिति जो भी होती है, इंसान व्यक्ति जो भी सोचता है, उसकी सोच चलती है, वो आंखों के द्वारा प्रकट हो जाती है, क्रोध होंगे तो क्रोध। तो वैसे ही जो आत्मा हमेशा आत्मिक स्थिति में रहेगी और परमात्मा के साथ हमेशा कनेक्ट रहेगी, तो वो देह, देह की दुनिया, देह के संबंध से एकदम अलग रहेगी, तो नेचुरली उसकी आंखों से वो शक्तियां बाबा की निकलती रहेंगी। और वैसे ही जो आत्मिक स्थिति में रहता है, तो आत्मा की चमक और आत्मा की शक्ति वो लोगों को स्वतः ही उससे बात करे, बात भी ना करे और उसके पास से भी निकल जाते हैं, क्योंकि आत्मा एक शक्ति है, वाइब्रेशंस कैच होते हैं लोगों को, तो उनको वो वाइब्रेशंस भी महसूस हो जाएंगे। और लाइट का क्राउन जो बाबा ने बताया, जो हमेशा आत्मिक स्थिति में या कंबाइंड स्वरूप रहेगा, तो उससे कोई विकर्म होने भी नहीं है, और बाबा के साथ रहने के कारण उसके पाप पास्ट कर्म के जितना भी अकाउंट है अपने आप क्लियर हो जाएगा, तो वो आत्मा पवित्र बनती जाएगी, तो उसके मस्तक पे, माथे पे लाइट के क्राउन का लोगों को अनुभव होगा। ये मनन चिंतन मेरे अंदर चला। ओम शांति। जी बिल्कुल, जैसे कोई भी जैस्मीन का फूल है तो उसके पास से जाएंगे तो खुशबू आ ही जाएगी ना, तो तुम आत्मिक स्थिति में हो
तो तुम्हारे वाइब्रेशन दूसरों को जरूर महसूस होंगे। बिल्कुल सही। प्रमिला बहन बोलिए। दीदी एक दो पॉइंट्स है थोड़ा सा करने के लिए, कि पहले जैसे बाबा ने कहा ना कि फिर ये मधुबन भी लाइट हाउस हो जाएगा और ये आपके मस्तक से लाइनों से और क्राउन से तुम्हारा लाइट दिखाई देगा। फिर उसके बाद बाबा ने कहा ना अभी ये है लास्ट पढ़ाई की लास्ट सब्जेक्ट प्रैक्टिकल में, थ्योरी का कोर्स समाप्त हुआ, प्रैक्टिकल कोर्स की लास्ट सब्जेक्ट है। मतलब उसका ये हुआ कि जो बनना है अब थ्योरी तो हो गई, जैसे पढ़ाई मान लो एक तरह से पूरी हो गई, हमें अब बन के दिखाना है लाइट का, ये मतलब ना। हमारा तो लेट आए हैं बच्चे, उनका तो थ्योरी प्रैक्टिकल साथ साथ चल रहा है। हाँ, थ्योरी समझेंगे तो उसको प्रैक्टिकल में उतार पाएंगे ना। और एक नीचे बोला था कि बड़ों को बता के ना खाली हो जाओगे, तो वैसे जो भी कार्य किया समाचार दिया बस अव्यक्त रूप को सामने रख यह करके देखो। अव्यक्त रूप अपना या बाबा ब्रह्मा बाबा का? दोनों, क्योंकि अपना भी संपूर्ण रूप है ना, उसको भी सामने रखे। कितना ठीक, चल टाइम हो गया है अभी, और होमवर्क की तरफ जाते हैं। तो कल जो बाबा ने मतलब टाइटल है त्रिमूर्ति लाइट्स का साक्षात्कार, तो कल तीनों लाइट्स का, नैनो का, मस्तक का और माथे का, ये प्रैक्टिस बार बार हमने करनी है। एटलीस्ट आठ प्रहर कहते हैं ना, तो चार बार तो करनी है कम से कम, कि तीनों चीजें हमें हमने विजुलाइज करनी है कि नैनो में क्या है, लाइट है, दो बड़े बड़े बल्ब लगे हुए। मस्तक पर कैसी लाइट है, जो होती है ना कि सर्च लाइट, हाँ सर्च लाइट मस्तक से, और माथे पर वो प्योरिटी का ताज, वो चमक रहा है। तो ये चार बार तो करनी है, आठ प्रहर है तो आठ में से चार निकाल भी दो तो भी चार बार 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 ये विजुलाइज, उसमें से एक बार मिरर में देखो, खुद जैसे आईने में देखते ना हम अपना चेहरा, वैसे देखे मस्तक पर देखे कि लाइट लगी हुई है, माथे पर भी देखे और आंखों से भी देखे। ठीक, तो ये रहेगा होमवर्क, और अभी हम एक मिनट इसी का अभ्यास करते हुए इस कॉल को एंड करेंगे। अभिजीत भाई जी आपको कुछ बोलना है, नहीं तो योग कराते हुए एंड करें हम कॉल को। ठीक, तो सभी ओम शांति दीदी, ओम शांति शांता बहन। हाँ बोलिए, टाइम हो रहा है। एक आत्मा जो हमारे यहाँ, तो एक आत्मा कहाँ जो काम करती है तो वो बहुत छुट्टी करती है, तो शांता बहन अगर परमिशन है आप प्लीज फोन पे ये कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो आप रखे अभिजीत का, ठीक है, थैंक यू। तो योग करके बाबा की याद में हम कॉल को एंड करेंगे। तो इस साकार शरीर में महसूस करें, मस्तक पर मैं लाइट, डबल लाइट, आत्मा विराजमान हूं, और मुझ आत्मा की लाइट इन नैनो द्वारा सारे विश्व में फैल रही है, और मुझ आत्मा की लाइट इस मस्तक पर
सारी विश्व की आत्माओं के लिए जैसे सर्च लाइट बनकर गाइड बनकर रास्ता भी दिखा रही है और सकाश भी दे रही है और मुझ आत्मा की संपूर्ण पवित्रता का प्रकाश मेरे माथे पर जैसे लाइट का क्राउन तैयार कर रहा है ये संपूर्ण पवित्रता का ताज ये तीनों लाइट्स मुझ त्रिमूर्ति आत्मा का त्रिमूर्ति लाइट से साक्षात्कार करा रहा है शांति गुड नाइट।